आज अलकाज हेल्दी किचन में हम बना रहे हैं साबूदाना फालूदा। यह रेसिपी झटपट बनके तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को हिट कर दें। इससे मेरी सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं हमने किस तरीके से बनाया है। इसके लिए मैंने ट्रांसपेरेंट ये साबूदाना ले लिया है, बारीक वाला साबूदाना। 3-4 तरीके का आता है। इसे आपको ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे आप 5-10 मिनट के लिए भिगो दें और झटपट इसे उबाल लें। अब देखिए, मैंने 5 मिनट के लिए इसे भिगो दिया था और मैं बस इसे 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करूंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। ये बहुत जल्दी पक जाता है। अब लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये साबूदाना हमारा पक गया है। अब हम इसे एक छलनी में छान लेंगे। अच्छे से छान लेंगे और इसे ठंडा करने रख देंगे। यहाँ पे मैंने 2 गिलास ले लिए हैं। अब इन गिलासों में मैं रुआबजा डाल दूंगी। रुआबजा अक्सर कहीं पर भी किसी भी स्टोर में आसानी से मिल जाता है, और अगर आपको पसंद है तो आप इसे यूज़ करें, डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून रुआबजा डाला है। देखिए इतना डाला है। दूसरे गिलास में भी मैंने रुआबजा डाल दिया है। अब साबूदाना जो हमने पकाया था उसे भी 2-2 टेबल स्पून डाल देंगे। 2-2 टेबल स्पून डाला है। और ये सब्जा है, सब्जा भी किराने स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। इसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, 1 टेबल स्पून। अब इसमें मैंने 1-1 टेबल स्पून ये सब्जा सीड डाल दिया है। और ये आइस क्यूब हैं, आप चाहें तो इसे क्रश करके डाल सकते हैं, नहीं तो इसे इस तरीके से भी डाल सकते हैं। क्रश करके डालेंगे तो थोड़ा और अच्छा टेस्ट आता है। ये माउथ फ्रेशनर है, अब मैं इसमें माउथ फ्रेशनर भी डाल दूंगी। सौंफ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप खाली सौंफ भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और ये रबड़ी है, रबड़ी झटपट घर पे जल्दी से रेडी हो जाती है, 10-15 मिनट में ही। आप दूध को बॉईल कर लें और रबड़ी आपकी रेडी हो जाएगी। अब इसमें हम जेली डाल देंगे। जेली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अक्सर ये हर किसी के पास नहीं मिलती है तो आप बेसिक इसे नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टेस्ट में अंतर नहीं आएगा। अब इसमें मैंने फिर से 1 टेबल स्पून ये साबूदाना डाल दिया है और 1 टेबल स्पून सब्जा सीड्स डाल दिया है। सब्जा सीड्स फालूदे का बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स है, सब्जा सीड जरूर डालें। और अब 1-1 टेबल स्पून फिर से मैंने इसमें रबड़ी डाल दी है। और मैंने अपने टेस्ट के अनुसार ये मैंगो आइसक्रीम ली है। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो फ्लेवर डालें। अच्छे से टॉप पे इसे रख दें। और अब एक एक ड्रॉप, एक एक बूंद हम इसमें रुआबजा की डाल देंगे, डेकोरेशन कर देंगे, इसे थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। और थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर डाल देंगे, सौंफ वगैरह जो भी हो आपके पास। और ये देखिए हमारा साबूदाना फालूदा बनके एकदम से रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत टेस्टी लगेगा। और अगर आपको जेली की रेसिपी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेली की रेसिपी का लिंक दे दूंगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।